सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्माद भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्माद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में पद ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्माद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव विष्णुवृंद मातृवृंद गौरगत सज्जनवृंद हरिकथा पिपासु श्रोतृवृंद सभी के चरण कमलों में मेरा यथा। महाप्रभु जब संन्यास लेने की कुछ सूचना सूचित किया मानी आभास, तब सब भक्त लोग महाप्रभु की भावी विरह में रो पड़े। इसमें थोड़ा सा आप लोग के सिद्धांत बता देता हूँ। तीन प्रकार विरह होता है, तीन प्रकार मिलन हो जाता है। थोड़ा ध्यान दे करके सुनो तो समझ में आ जाएगा। एक है भावी विरह, एक भावन विरह और एक भाव्य विरह। भावी मिलन, भाव्य मिलन और भावन मिलन। अभी इस संदर्भ में इसलिए बोल रहा था मैंने, ये चैतन्य महाप्रभु अभी संन्यास नहीं लिए, माने नवद्वीप छोड़कर के नहीं गए, नवद्वीप में है। केवल चैतन्य महाप्रभु ने कुछ भक्तों के इंगित दिया जे मुझे सन्यास ग्रहण करना है। क्यों सन्यास ग्रहण करना है, दो कारण बता रहे हैं। एक तो कुछ है और मायावादी, लिख लो अच्छी तरह से। क्या क्या लिखा, कुतार्किक पाषंडी कहा गया, शुष्क ज्ञानी मायावादी हो गया। भगवान के चरण में चित्तवृत्ति हो, चित्तवृत्ति समझते हो, भगवान के भजन करें। किंतु कुछ लोग है कि पढ़ते जा रहे हैं, किंतु पढ़ने की तात्पर्य है विद्या के तात्पर्य नहीं जानते। पोड़ुआ कुतार्किक पाषंडी शुष्क ज्ञानी मायावादी और एक क्या बताया गया। अच्छा चलो बाद में देखो। उस दिखते रहते हैं, ये सब निंदुक में आ जाता है, निंदा करने वाला उनका ही होता है। जैसे हमारे माधवेंद्रपुरी पाद के शिष्य क्या नाम रामचंद्रपुरी, वो जिसके पास बैठते थे उसके निंदा करना शुरू कर देते, खिला पिला करके महाप्रभु के खिलाए अच्छे तरह, सन्यासी इतने खाते हैं अविष्ट होकर के माधवेंद्र पुरीपाद
और वो अपने गुरुदेव गुरुदेव के कहने लगे, गुरुदेव आप तो ब्रह्म हो। तो उसे माधवेंद्र पूरी बात करे, तुम्हारे देखे लिए अमार हवे अधोगति सर्वनाश। उस दिन माधवेंद्र पूरी बात उनके भी त्याग दे दिया है। और महाप्रभु माधवेंद्र के दूसरी शिष्य ईश्वरपुरी, माधवेंद्रपुरी का कितने कैसे सेवा आदि किया के लिए मणिमन संकल्प की। आज एक समय चैतन्य महाप्रभु निमाई महाप्रभु के गृह में दरवाजा बंद करके कीर्तन कर रहे थे। उस समय को एक ब्राह्मण आकर के दरवाजा खटखटाया, किंतु किसी ने दरवाजा नहीं खोला। उससे वो ब्राह्मण क्रोधित होकर के निमाई को भी शाप दे दिया, तुम्हारे संसार धर्म हो सर्वनाश है। तो श्रीमद् भागवत के जब भक्त लोग की आभास मिला ये चैतन्य महापुरुष सन्यास ले लेंगे, तो उस समय सभी भक्त लोग महापुरुष के निकट प्रार्थना करने लगे, प्रभु आपके बिना हम कैसे रहेंगे। उस समय चैतन्य महाप्रभु ने कहा, देखो मैं नवद्वीप मेरा प्रिय धाम है, नवद्वीप धाम बिना त्रिभुवने नहीं यार, ऐसे सुंदर नवद्वीप धाम त्रिभुवन में भी स्वर्ग मर्त पताल में भी ऐसे धाम नहीं है। ये नवद्वीप धाम छोड़कर के मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं साक्षात रूप में कहीं अलक्षित रूप में इनविजिबल रूप में मैं रहूंगा। करे रोने लगी और श्रीवास ठाकुर आकर के उनके सब समझाया, देखो तुम लोग ऐसे जोर से रो तो चैतन्य महाप्रभु के नाम संकीर्तन में आएगा, इसलिए महाप्रभु की बाधा होने पर हम उसको सहन कर नहीं पाएंगे, मैं भी गंगा में जाकर के प्राण विसर्जन दे दूंगा। ऐसे कहने पर महिलाएं ने तो कुछ रोना बंद किया। और इसके बाद चैतन्य महापुरुष और नाम संकीर्तन का श्रीवास ठाकुर वहीं पर मिले है? और कुछ समय के बाद महाप्रभु ने श्रीवास जी के पूछा, श्रीवास तुम्हारे घर में कुछ अमंगल पुत्र, आज मध्य रात्रि। तो महाप्रभु कहने लगे, तुम्हारे पुत्र चले गए और तू मुझे समाचार नहीं दिया। उस समय चैतन्य महाप्रभु उस पास बालक के पास आए और उस मृत शरीर के ऊपर हाथ रखा, फिर उसके आत्मा के बुलाया और फिर उसके द्वारा जगत जी को शिक्षा दे दी। महापुरुष ने पूछा, तुम इस संसार अनित्य है, नित्य आत्मा ही है, इस प्रकार दिया। और फिर वो कहने लगे, प्रभु आपकी इच्छा से जगत के जीव संसार में जन्म लेते हैं, आपकी इच्छा के द्वारा जगत के जीव स्थिति होते हैं और आपके द्वारा जगत के जीव छोड़ करके चले जाते हैं। तब इच्छा मत ब्रह्मा करे न सीजन, तब इच्छा मत ना विष्णु करे न पालन, तब इच्छा मत शिव करे न संहार, तुम्हें सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार। इसी प्रकार दिखाया। और फिर कहने लगे, प्रभु आप साक्षात नाम संकीर्तन कर रहे हैं, आपके नाम भूत न भविष्यति। शिवास किस प्रकार सर्वस्व त्याग दे करके महाप्रभु के चरण में समर्पित थे, इसके दुखा दिखाए। इसलिए महाप्रभु कहने लगे, भाई शिवाज जी के घर में रहो। बता दूसरी नित्यानंद नर्तने, जब नित्यानंद प्रभु नित्य करेंगे मैं वहां पर उपस्थित हो जाऊंगा, क्योंकि नित्यानंद मेरा अभिन्न कलिवर का है। कलिवर समझते हो माने शरीर। महाप्रभु और नित्यानंद में कोई भेद नहीं है, देख कृष्ण बलराम में कोई भेद नहीं है। उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु में कोई भेद नहीं है, एक ही कलिवर है। झगड़ करके लाते थे जबरदस्ती करके, वो भी बिना पैसा से हाँ थोड़ मोचा है और ये तो है ये सब लेकर के आते थे
क्योंकि उनके इतने प्रेम है, और श्रीधर भी महाप्रभु के अत्यंत प्रिय थे। तो माँ शची देवी ने क्या की, और महाप्रभु के लिए वही बनाया था, क्या बोले, केले के फूल के जो है सब्जी बनाया, जिसको मोचा घंट कहा जाता है, वो पत्तल खाली था। हाँ, पानी है, गर्म पानी तो। अच्छा, बाबा, अच्छा, तो इसमें कम नहीं हो रहा है। फिर सुची माता देखा क्या, ये थाली खाली पड़ा हुआ। सुची माँ मुझ सोचने लगे, जब मैं आज निमाई के लिए कुछ बनाया नहीं, आज केवल मैंने सपनों भी बात मन भी ऐसे चिंतन कर लिया था, फिर दोबारा बनाया, ठाकुर जी के भोग लगाया। चैतन्य महाप्रभु उस समय जगन्नाथपुरी में थे, चैतन्य महाप्रभु ने जगदानंद पंडित के शायद ये भेजा, देखो उस माघ महीने में मेरे माँ जो मेरे लिए जो सब्जी बनाया था वही मैं ही साक्षात में ग्रहण किया। इसके द्वारा महाप्रभु भी दिखाते हैं जो सदा सर्वदा वहीं पर रहते हैं, सची माँ की गृह में सदा सर्वदा रहते हैं। और कसका और अद्वैत आह्वाने, जब अद्वैत आचार्य मुझे बुलाते हैं तब मैं वहीं पर पकड़ हो जाता। जिस कथा प्रसंग रघुनाथ दास गोस्वामी की जो चिड़ा महोत्सव के जो है दधी महोत्सव चिड़ा महोत्सव की जो कथा प्रसंग में वहीं पर भी देखा। और कौन सा रह गया, राघव पंडित के गृह में, राघव पंडित और उनकी बहन दमयंती किस प्रकार महाप्रभु के प्रति प्रेम प्रति रखते थे, महाप्रभु के लिए समस्त प्रकार की वस्तु एक एक करके जगन्नाथपुरी ले जाते, जिसे कहते हैं राघवीर झोली, झोली कहा जाता है, झोली समझते हो, पोटली, 10-12 जो है पोटली, अनेक प्रकार के द्रव्य सामग्री लेकर के जाते थे। तो इसलिए महाप्रभु सदा सर्वदा ये 5 स्थानों पर रहते हैं। अभी श्रीवास जी की कथा हम लोग वर्णन कर रहे हैं। ये श्रीवास ठाकुर सब लीला में ही वो विराजमान है, महाप्रभु की लीला में श्रीवास ठाकुर के रूप में है, रामचंद्र के लीला में नारद ऋषि के रूप में विराजमान है, कृष्ण लीला में भी है नारद ऋषि है, इसी प्रकार समस्त लीला में ये नारद ऋषि किसी न किसी रूप में सेवा आदि करते रहते हैं। श्रीवास ठाकुर मुसलमान क्या बोले, कौन लीला में स्मरण कर रहा था, ये श्रीवास ठाकुर की पत्नी जो है मालिनी देवी है, वो भी किसे नित्यानंद प्रभु के कैसे भी सेवा आदि करते थे। जब नित्यानंद प्रभु नंदन आचार्य जी गृह में आए और फिर महाप्रभु उनके अपने घर में ले गए, किंतु नित्यानंद प्रभु वह पर थोड़े अवधूत वेश में रहने लगे, कपड़े ठीक से नहीं पहनते हैं, तो फिर उनको क्या कि नहीं श्रीवास ठाकुर के घर में रहने लगे और उनकी वात्सल्य भाव से सेवा आदि करने लगे मालिनी देवी। महाप्रभु
एक बार की कथा है, श्रीमान महाप्रभु श्रीवास जी के आंगन में बैठे हुए थे और किसी कारण से सची माँ वहाँ पर आई। कथा प्रसंग चल रही थी, इसको नीचे रखो, देख दर्शक में आई साइड में लगता है। हाँ क्या बोले, सची माता की कथा प्रसंग जो आ रहे हैं, तो उस समय सची माँ कहने लगी, देखो वात्सल्य भाव है, गाढ़ वात्सल्य। सची माता कहने लगी, मेरा निमाई जो है रात में सोते नहीं है, और ना जाने कैसे सारा रात हरिनाम करते हैं और ये करते वो करते हैं, तो इसके ये हो क्या बोले, कौन सा रोग हो जाता है जो सिर गर्म होता रहता है, तो इसके लिए कुछ तेल व्यवहार कर। इस कथा प्रसंग चल रहे थे, उस समय महाप्रभु ही पास में बैठे हुए थे। उस प्रसंग जब चल रहे थे ये, उस समय श्रीवास जी ने कहा, सजमा आपके निवाई के वास्तव की वो रोग नहीं है, अरे कौन सा रोग, वो एक व्याधि होता है ना जिसमें सिर गर्म होता है, क्या बोलते हैं इसको, बात रोग, बात पित्त रोग के क्या होते हैं इसको, अच्छा चलो इसके लिए तेल मालिश करनी चाहिए। श्रीवास जी ने क्या कहा, प्रभु कहने लगे, माँ ये उनके रोग नहीं है, ये तो प्रेम की दशाएं है, किंतु सची माँ कुछ उत्तर नहीं दिया। तो अब इस कथा प्रसंग के बाद जब चले गए सची माँ और सब महिलाएं चली गई, तब उसने चैतन्य महाप्रभु एकांत में श्रीवास जी के बुलाया, श्रीवास तुमने मुझे हर प्राण को रक्षा की, क्यों जी, तुम भी कह देते जी इनके वो रोग है, क्या बोले, सिरप पीड़ा के एक रोग होता है, नाम भूल गया मुझे, अतः आज मैं गंगा में अपने प्राण को विसर्जन दे देते हैं। तो इसी प्रकार अनेकों लीलाएं जो है दिखाया गया है, जी श्रीवास महाप्रभु की कितने अंतरंग जन थे, जिस नित श्रीवास ठाकुर जब जब आते थे जगन्नाथपुरी में, महाप्रभु के संग अधिक करते थे, रहते थे, और श्रीवास ठाकुर और एक लीला कथा कौन सा था, हाँ नवदीप धाम की लीला कथा, श्रीवास ठाकुर नाम संकीर्तन आदि करते थे, और चापाल गोपाल नामक एक जो है अत्यंत पाषंडी निंदुक वो श्रीवास जी के ऊपर लंछना लगाने लगे, नाम संकीर्तन आदि करते, बोले ये लोग नाम संकीर्तन करते नहीं हैं, ये लोग कुछ तंत्र मंत्र देवी पूजा आदि करते रहते हैं, देवी पूजा आदि करके और मद मदिरा आदि पान करते हैं, ये सब आदि लगाए, ऐसे करके वो चापाल गोपाल ने किया कि नाम महा श्रीवास ठाकुर के आंगन के सामने, घर के सामने देवी पूजा की सामग्री को रख दिया, जैसे सिंदूर और लाल चंदन होता है जो देवी पूजा के जो लगते हैं, वो एक प्रकार फूल लगते हैं जिसको हम जवा फूल कहते हैं, लाल जवा फूल है नहीं, ये हम कृष्ण पूजा में नहीं लगाते हैं, देवी पूजा लगाते हैं, और उसको चारों तरफ रख दिया और अखाद्य कुखाद्य ही रख दिया और लोगों की ऐसी कर दिया। श्रीवास ठाकुर प्रातः काल में उठ करके देखा और श्रीवास ठाकुर कहने लगे, देखो कैसे दुष्ट व्यक्ति की, ये देखो मैं देवी पूजा करता हूँ, और
इस कथा को जब सुन चैतन्य महाप्रभु पास पहुँचे तो उस समय चैतन्य महाप्रभु बहुत क्रुद्ध हुए और क्रुद्ध होकर के क्रोधित होकर के उनको अभिशाप दे दिया है, तेरा कुष्ठ व्याधि हो जा है। वो चापाल गोपाल के क्या हो गया, कुष्ठ। देखते देखते उनके सारे शरीर कोढ़ हो गया, कुष्ठ बने कोढ़ हो गया, सारे शरीर गलित हो गया है। इतने सुंदर शरीर था है, देव शरीर जैसे था उनके, किसका, चापाल गोपाल का है। और वो उनके लोग, घर के लोग उनके भी बाहर कर दिया, घर से शरीर, उनके शरीर में इतने दुर्गंध आने लगे। तो वो कहाँ रहने लगे, गंगा के घाट पर रहने लगे है। और वहीं पर बस, तो चैतन्य महापुरुष नित्य प्रत्यह गंगा स्नान के लिए जाते थे। और गंगा स्नान में जब जाते हैं, महापुरुष के देख करके रोना शुरू कर दिया।